अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल वासित। वेलकम करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल में। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और खूब अच्छे से अपने परिंदों का ख्याल रख रहे होंगे। आज मैं थोड़ा सा लेट हो गया जनाब, इन्होंने मेरे से पहले ही कबूतर उड़ा दिए हुए हैं। दो बच्चे हमारे नए जो हैं वो इधर उधर हो गए, अब पीछे बच्चा कोई नहीं रह गया नया। और जो ऊपर वाले बच्चे थे हमारे उड़ने वाले, वो आज जल्दी बैठ गए हैं। फिर और दो बच्चे हमारे ऊपर हैं, बाकी बड़े कबूतर भी ऊपर हैं। जैसे जैसे बैठते हैं आपको दिखाते हैं। ताजी दाना भी तो महंगा हो गया ना नन्ना जी, दिहाड़ी क्यों लानी है? कौन सा जाएगा दड़बी? कल डब वाली नहीं बैठी थी, एदा मतलब की हुण हरी नूं रेस्ट दे रही है। ये कौन सा निकाल दिया है? यार तुम्हारे ऐसे ही साफ हुए वाले कितने गए यार, वो निकाल दो। हाँ आज सारे यार, ये 10 बच्चे ना हम जंगल में दिए थे, वो मतलब उधर था तो ये सारे बाहर नहीं निकाले, ये अंदर ही साफ हो गए। तो भाई इनको कितने दिन से हम निकाल रहे हैं, तब क्या निकालते? अब तक तो ये इनमें से कोई भाग भूग गए होते। अभी तक दो के दिन चले गए इधर, एक कांटे वाला आ गया। वो है खप्पू वाली? कौन सी खप्पू वाली? खप्पू वाली कल बैठ गई थी, कह तो रहे थे परसों भी अच्छी बैठी थी वो। तो अपने दो गए हैं बच्चे, उनके तीन गए हैं इधर साहब नहीं थले इधर उधर, दो बच्चे इधर गए ने ते उत्ते किन्ने गए ने? उत्ते दो तीन, एक ही जाएगा बच्चा जो उधर हुआ है, वो तो एक तो वो बैठा हुआ है। तू को उड़ा दे अंदर ना करे इसको राम। दुआएं कर रहे हो तुम यार, क्या कर रहे हो? नहीं मैं कह रहा हूँ कि जरा लंगर पानी का इंतजाम इनको जरा अच्छा करें, इनका दाना बदल दें, दाने में मोड़ डले हुए वो गर्म होते हैं, हल्की हो रही। अच्छा जी, तो अब दाना हमने तो नहीं ना बदलना, आपने ही बदलना है। चने बाजरा, चने बाजरा। चलो मैं तो उस्ताद चल रहा, मैं भी दाना लेना है। और बाजरा थोड़ा सा उबाल लेना, धो के डालना पड़ेगा, वो केमिकल आ रहा है, नया डालोगे तो सारे बच्चे फूल जाएंगे, कबूतर फूलने शुरू हो। ने ये किन्ने ही अंदर 10 साफ रखे ने, रोज एक छाड़ देंदे ने, कन्न ही फड़ाने वाले होए ने इन्हां दे, ना वो उड़ा सकने हैं ते ना फिर इन्हां नूं उड़ा सकने। यार सुबह सुबह बट की 8 बजे उड़ाने ने, मैनूं ऐ दस नवा कबूतर कदी तू जिंदगी च कढ के उड़ाया सवेरे 8 बजे? यार मैं नवा कह रहा, इक्को बारी सारे कड्डो ना, जेड़े काल नूं ना छुट्टी है अज ही कढ ले। अज तेरा लास्ट है बाहर नहीं भैन, गेड़े पै गया जी। दो छटे ले ले, आधा हूं पता नहीं क्या है, गेड़े पै गए अभी। मैं तो निशानी लगी हुई है ना, पता लगेगा ये उम्र वाले दोनों उम्र। अदर तो पाक खोल छोड़ दे, क्या कोई नहीं है, वो एक वो चीज है।
बाकी सारे हो गए ये जोड़ों वाले अंदर अब जोड़ों वाले और एक का पारा आ रहा दसवां जो बाजी में नहीं उड़ा जी जी आ रहा हूँ सफर कर दिया वो बैठे नहीं दोनों एक बैठ गया बह जाएगा आ रहा हूँ सफर जाएगा ये कौन सा बैठ जाएगा यार ओए होए होए ओए होए कोठे कोठे नवा ही लग रहा मैं नवा तो नहीं कट था जोड़े वाला और नहीं जोड़ो माला ले अंदर ले बैठे हैं आप भी आइए आप भी जाते आइए आते आइए छक मैं पता नहीं केड़े ऐ केड़ा छड्या ही है उड़ गया ही हरा तीनों पुराना ये उमर भाई नारो वाला ले उनके घर का है ओए साले मैं ता ही तो कह दिया ओदे घर हेलो गेड़े पे आई वो जड़ा है हुन दो छड़े ने पहला जड़ा छड़ी है केड़ा नहीं कह रहा काला जी नहीं है नहीं है नहीं है थोड़ा लंबा लंबा भेज लंबा भी भेज दे अतन दम खोली तो बाहर पर दे लंबा लंबा चले है किधर लंबा चला गया कबूतर है लो भाई मेहमानों चील ने डाते जे साडे सारे कबूतर पर नहीं वो पहले दिन ही चला उड़िया ना तो निकल गया बाहर पर नहीं सही चला रहे ओ यो यो गली दे चीना 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 कबूतर जी हमारा ये पहले दिन ही उड़ा है फिर की लम्मा उन्हें पैर ही नहीं सी लाए थे ये जनाब चीना कबूतर चीना ये जनाब जी चीना साड़ा बह गया जी चक्कर खा रहे हैं
ये जी हैदर वाला कबूतर हमारा बैठ रहा है जी। सुबह 7:15 आज उड़ाए थे। इधर इधर आ जाते एक बैठ गया जी। इधर आ जाते। ये जी तीन कबूतर हमारे और आ गए हैं नीचे। एक ये जनाब इसके ऊपर लाल आंखों वाला, कल जो कबूतर हमारे जल्दी बैठे थे तो हम थोड़ा सा परेशान हो गए थे कि भाई क्यों बैठे हैं, लेकिन मौसम का कोई हेर फेर था। कल पूरे लाहौर में तकरीबन कबूतर जल्दी बैठे हैं, लोगों के बच्चों की बाजी थी कल, तो माशाल्लाह से उस्ताद मलक बिशारत खोखर के बच्चे बड़े अच्छे बैठे हैं। शाम 6 बजे के बाद तो 3-4 उनके बैठे हैं। ये जनाब ऊपर से एक और आ गया। ये जी लाल आंखों वाला। अभी टाइम तकरीबन हो रहा है 10:45 का। अभी इनको कुछ भी नहीं डाल रहे, दाना भी अभी इनका दोबारा बनना है। और जनाब इनका जो है ना खुराक वगैरह अभी कोई नहीं शुरू की, ना इनका कोई टाइम टेबल अभी पूरा डिसाइड किया है, लेकिन फ़िलहाल कोशिश कर रहे हैं इनको आहिस्ता आहिस्ता लेके जा रहे हैं पीछे की तरफ। कल ज़रा जल्दी उड़ाए थे तो आज 7:15 बजे उड़े, कल 7 से पहले उड़ गए थे। बच्चा एक हमारा ऊपर है, कल जो जीरा बैठा था, आज देखते हैं वो क्या करता है जी। सुबह का ही ऊपर है। इसके अलावा और भी कबूतर हैं, जैसे जैसे बैठते हैं फिर आपको दिखाते हैं। ये दो फिलहाल नीचे आए हैं। ये जनाब हमारी हब्बी कबूतरी बैठ रही है जी। ये जी बैठ गई। ये जी खप्पों वाली मादी हमारी बैठ रही है। ये तकरीबन टाइम हो गया 8:12। ये माशाल्लाह से इतने ही घंटे लगाती आ रही है मादी। जब इसकी बगलें पूरी होंगी तो ये ज़रा सही टाइम करना शुरू कर देगी। अभी भी कुछ कबूतर ऊपर हैं। दोस्तों को 2-4 दिन से सोच रहा हूँ कि आपको कोई हटके शो करवाऊँ, लेकिन हमारे जो शहर के हालात हैं वो इस तरह के नहीं हैं, रास्ते जहाँ से जाएं बंद हैं, इस वजह से आपको शौक नहीं दिखा रहे किसी का। इंशाल्लाह कल, पूरी उम्मीद है कि कल आपको कोई शौक दिखाऊँगा मैं। लाहौर में बाजियाँ उड़ रही हैं तो कोई ना कोई बाजी आपको ज़रूर दिखाएंगे। अब कौन सी छत पे जाता हूँ ये अभी कोई पता नहीं है। इंशाल्लाह कल उम्मीद है कि किसी ना किसी जगह पे दिखाएंगे, अगर ये धरने वाला सिस्टम जो है ना वो अपना ख़त्म हुआ तो। ये जी बहू वाली कबूतरी बैठ गई है नर इसके पास, पीछे पीछे चढ़ गए हैं इसके। ये तकरीबन बैठी है जी 11 बजे पूरे। माशाल्लाह से अच्छा फिर रही है ये कबूतरी भी। नियत वाली कबूतरी है, पर इसके थोड़े से ख़राब हैं, लेकिन इंशाल्लाह इस सीज़न ना सही तो अगले सीज़न ज़रूर ये उड़ेगी। फ़िलहाल देखते हैं क्या बनता है इसका। बच्चा भी हमारा ज़ीरा निकला है, अभी ऊंचाई पे है, जैसे नीचे आता है वो भी दिखाता हूँ आपको। अरे जी दोस्तों बहू वाली कबूतरी के हरे ने विटामिन पूरे कर दिए हैं। ये जनाब खुराक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसको आप। दूसरा आया है ये जनाब, अब दूसरा आया। इसके यहीं पे विटामिन पूरे हो जाने हैं, इसने बिल्कुल फ्रेश हो जाना अभी। ये जनाब ये बच्चा जीरा हमारा सुबह 7:15 का उड़ा हुआ, तकरीबन 11:15 हो गए हैं। ये नया ही गिजा हमारा, तीसरी चौथे दिन प्रवास दे रहा है ये। कल भी माशाल्लाह से 2-3 घंटे फिर के बैठा था। आज भी माशाल्लाह अच्छा बैठ रहा है। चलो वेने दो सी दो तीन है।
अभी नीचे उतरता मैं देख लेता हूँ। एक तो कटा ना वो छोटा, ये जनाब फाड़ लो फाड़ लो है? जीरा 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 टाइम जनाब 11:10 और दीरा बच्चा बैठ गया जी। ये जनाब हरा और लंबी दुम वाला, ये दोनों जनाब बहू वाली मादी को गंदी निगाहों से देखते हुए ये जी दो कबूतर हमारे और आ गए, एक बड़ी सफेद मादी है और एक अशरफ वाला, ये और बड़ा शेरू ये इससे ऊपर नजर आ रहा है अगर आपको, तो अमजसा वाला सलारा भी ऊपर खड़ा है जी। टाइम तकरीबन हो गए 11:30। ये जी सफेद कबूतरी, ये जनाब अशरफ भाई वाला कबूतर, और इसके ऊपर हम ये भी एक कबूतर आपको नजर आ रहा होगा। ये जी ये ऊपर वाला अमजद साहब वाला है, बड़ा शेरू जी, वो नहीं अभी आएगा कैमरे में। ये जी चिट्टी बैठ रही है जी बड़ी, ए जनाब ये बैठ रही, बैठ गई जी। ये जनाब गैंग ने घेर लिया इसको, चिट्टी फुल नखरे दिखाते हुए जनाब, नर पूरा एक चोटी का जोर लगाकर, ये जनाब 4 नर हो गए। ज्यादती नहीं है यार ये हैं? ये जी अशरफ भाई वाला कबूतर भी बैठ रहा जी हमारा, ये जनाब बड़ा शेरू भी आ गया, अभी इन्हें वाड़ते हैं अंदर। एक लंबी दुमला हरा बार रख, एक छोटा बांदर रख तीन, और एक दो बच्चे, और एक बेचारा वाड़ी तो बिल्कुल ही वो ऐसे ही आता है, ऐसे ही आता है। ये आपको बता सेट हो, ये बना रही है ना, ये बड़ा शेर बस सेट हो गया, पर से ही चलाता। ये जी हमारी अमेरिकन एड आ चुकी है, अमेरिका वाले हमारे इलाके पे बहुत मेहरबान है जनाब। ये अमजद साहब वाला कबूतर बीच में ही, ये जनाब ये दोनों कबूतर हमारे ऊपर नीचे जी। ये जी अमजद साहब वाला कबूतर फुल बैठने के मूड में आते हुए, ये जी ये जी बैठ गया कबूतर हमारा अमजद साहब वाला जी 11:33। उस्ताद तेरी तो फोटो ला दी है तो उड़ जाते कबूतर, डर के उड़ते हैं वैसे बाजी में, बाजी में देखें क्या बनता है। अगर तो बच गए तो जनाब जरूर उड़ेंगे, तो अब आप
आप मुझे बता दें इनके खंभ ऊपर से आने चाहिए कि ये भी आने चाहिए? पूरा कबूतर आना चाहिए जनाब, पूरा कबूतर। हाँ जी, ग्यारह ग्यारह वाले की तैयारी करो, ग्यारह वाले की जी। बड़ा शेरू, बड़ा शेरू, बड़ा शेरू। ए हरी बाजी तक पहुंचेगी तो फिर है ना। हाँ जी खलीफा साहब, पहुंचेगी बाजी तक? देखिए भाई ये तो नसीब की बात है, वैसे जैसे हरकतें करती आ रही है मुझे लगता है ये पहुंच जाएगी। ये भी अभी जिस्म नहीं बनाया, फिर लाले को लारियटे छोड़ाएंगे। जिस दिन अगर वो अपना अच्छा बना लेगी ना तो फिर उड़ जाएगी इंशाल्लाह। हाँ जी साहब जी, उड़ा लोगे हरी? भाई जान देखें, हमें तो आपने जो भी देना है हमने उड़ा देना है। गोली पेंटा वापसी वाली उड़ानी है, जान वाली नहीं उड़ानी। मोटी माल हमने बाहर से मंगा ली, इंपोर्टेड। एक तो लोकल मिलती है पाकिस्तान में, हमने जर्मनी से इंपोर्टेड मंगाई। अच्छा जी, उसका रिजल्ट बड़ा अच्छा है। तो जी देखें इंशाल्लाह जी, माफ़ी किसी को भी नहीं देनी हमने इन कबूतरों में से, क्योंकि ये इनमें से जो पुराने लाइटों पर लगे हैं ज़रा फड़के थोड़ी शार्ट है इनकी, ज़रा रूटीन में आ जाएंगे तो फिर इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। ये जी बड़ा शेरू बैठ रहा है जी हमारा। टाइम 11:36। मैंने अपनी मेडिसिन बना दी है डेल्टा गार्डल एंटायर कोटेड, फाइजर की नहीं, गेट्स फार्मा की आपने यूज करनी है डेल्टा गार्डल एंटायर। ये खड्डा भी खाली करना है, बड़ा मजा आएगा आपको इंशाल्लाह। तो जी दोस्तों, एक कबूतर हमारा खलीफा साहब वाला हरा है या हरी है, एक वो ऊपर है और एक दबा ज़ीरा ऊपर है। तो अब टाइम हो गया, ज़रा काम शाम करें करके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अगर ये बैठते हैं तो आपको कल की वीडियो में इनका टाइम बता दिया जाएगा। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो भाई चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।